Hello students, very good evening to all of you. I, Anupama, welcome you all at the Savvy Classes and I hope you all are doing great. चलिए तो आज आप स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 13 में हमारे मिक्स क्वेश्चंस रहने वाले हैं फ्रॉम द एलिजाबेथन एज. वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग जसवीर. वाइफ इज वाइफ और मिस्ट्रेस जो होती है, जैसे आप कह सकते हैं जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो, ठीक है, जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो. और दूसरी चीज जो आपने पूछी कि कितने कैरेक्टर्स नेगेटिव हैं, वजह से काउंट करना तो इज लाइक नॉट पॉसिबल क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, पर आप लोग मेन के बस नाम याद रखो, ठीक है. फेरी क्वीन बोथ ब्लेंड्स एंड अपोजेस का मतलब है कनिका कि ब्लेंड का मतलब है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कहानियां, है ना, छोटी छोटी कहानियां आपस में मिलाई गई हैं, ब्लेंड करी गई हैं. और अपोज करने का मतलब क्या है कि मतलब उसमें जो है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, इविल गुड कैरेक्टर्स दोनों हैं. हाँ जी रिया, मैंने कल भी बताया था शायद कि म्यूजेस जहां पे मुझे ये लिखी हुई मिली ना, म्यूजेस के नाम वहां 7 ही लिखे हुए मिले थे बच्चे, ठीक है, वहां 7 ही लिखे हुए मिले थे, ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी. तो हो सकता है कि रेपिटेशन हो, है ना, हो सकता है रेपिटेशन हो. क्या जी, तो ये एक जो है मतलब कारण था. बच्चे सारे सारे कैरेक्टर्स तो देखो मत करो. हाँ जी वो मैं आज बताती हूँ नरिंदर, फेड ग्रुप में बात करेंगे ना उसके बारे में, ठीक है जी. चलिए तो फेरी क्वीन फोर्थ बुक के कैरेक्टर नहीं, बस मेन कैरेक्टर, ठीक है जी. बच्चे मार्लो का बर्थ हुआ था कैंटरबरी में यूनाइटेड किंगडम में. जी चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप. बिफोर वी मूव ऑन विद द क्वेश्चंस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम. व्हाट इज द टाइटल ऑफ द प्रोज पैम्फलेट एडमंड स्पेंसर रोट इन द ईयर 1596. प्रोज पैम्फलेट जो है स्पेंसर ने लिखा था और जो पब्लिश हुआ था 1596 में, तो उसका आपको जो है टाइटल बताना है. द विजन्स ऑफ पेट्रार्क. बच्चे मैं बेटर हूँ अब, मैं बेटर हूँ. अ व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड. The ruins of time, visions of the world, vanity. जी बिल्कुल सही. The right answer is a view of the present state of Ireland. जहां पे उन्होंने आयरलैंड के laws, customs और religion को satirize किया है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Question number 2. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves that we are underlings. Who said this and in which play? Cassius in Julius Caesar, Antony in Julius Caesar, Caliban in The Tempest या Caesar in Julius Caesar? हाँ जी, ये डायलॉग किसका है? The fault, dear Brutus, is not in our stars but in ourselves that we are underlings. Underlings मतलब कि हम जो हैं मतलब गरीब लोग हैं, ठीक है. Yes, it is Cassius in Julius Caesar. Cassius जब कन्विंस करने के लिए, ठीक है, व्हेन ही इज ट्राइंग टू कन्विंस ब्रूटस कि सीजर जो है वो राजा बनना डिजर्व नहीं करता, तुम जैसा इंटेलिजेंट बंदा राजा बनना डिजर्व करता है. बस क्या है कि हम उस घराने में पैदा नहीं हुए, क्योंकि पहले क्या होता था, राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, ऐसे करके ये जो है मतलब सीक्वेंस चलती रहती थी, क्रोनोलॉजी चलती रहती थी, राइट. क्वेश्चन नंबर 3. Who said that Shakespeare in his comedies
हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। किसने ये स्टेटमेंट दी थी कि शेक्सपियर की कॉमेडीज में सिर्फ हीरोइंस हैं हीरोज नहीं? बेन जॉनसन, जॉन रस्किन, थॉमस कार्लाइल या जॉन ड्राइडन? हु मेड दिस स्टेटमेंट दैट बेन दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज? वेरी गुड, जिन्होंने जॉन रस्किन आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने बेन जॉनसन कहाँ पे पढ़ा, बट द राइट आंसर इज जॉन रस्किन, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड टाइटल ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोज द ज्यू ऑफ माल्टा? ज्यू ऑफ माल्टा का कंप्लीट टाइटल कह लो या जब वो पहली बार पब्लिश हुआ था तो उसका टाइटल क्या था? वेरी गुड इवनिंग नीरज। द ट्रेजिडी ऑफ द ज्यू ऑफ माल्टा, द ट्रेजिडी ऑफ द रिच ज्यू ऑफ माल्टा, द फेमस ट्रेजिडी ऑफ द रिच ज्यू ऑफ माल्टा या द स्टोरी ऑफ द रिच ज्यू ऑफ माल्टा? जी बिल्कुल सही जवाब आपका, इज द फेमस ट्रेजिडी ऑफ द रिच ज्यू ऑफ माल्टा। वेरी राइट आंसर, फेमस याद रखना है, ठीक है, द फेमस ट्रेजिडी ऑफ द रिच ज्यू ऑफ माल्टा। जी आगे बढ़ते हैं, टू विच थिएटर वॉज क्रिस्टोफर मार्लो एसोसिएटेड? इंग्लिश प्यूरिटन थिएटर, इंग्लिश रिनेसेंस थिएटर, रेस्टोरेशन थिएटर या इंग्लिश नियो क्लासिकल थिएटर? किस थिएटर के साथ जो है क्रिस्टोफर मार्लो एसोसिएटेड थे? इंग्लिश प्यूरिटन थिएटर, रिनेसेंस थिएटर, रेस्टोरेशन थिएटर या इंग्लिश नियो क्लासिकल थिएटर? यस, ही वॉज एसोसिएटेड विद इंग्लिश रिनेसेंस थिएटर। बिल्कुल सही जवाब, इंग्लिश रिनेसेंस थिएटर के साथ एसोसिएटेड थे। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द सनराइज ऑफ इंग्लिश पोइट्री? हाँ जी, मैंने इसीलिए आपको जवाब नहीं दिया, जब किसी बच्चे ने जवाब पूछा, क्वेश्चन पूछा, तो सनराइज ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसको कहा जाता है? मार्लो, स्पेंसर, शेक्सपियर या वॉल्टर रेले? बिल्कुल सही जवाब, इट इज एडमंड स्पेंसर। बिल्कुल सही, एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो टेल्स द स्टोरी ऑफ द डिस्पोजिशन ऑफ अ किंग बाय हिज बैरन्स एंड द क्वीन? डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि जहां पे जो है किंग को गद्दी से हटा दिया जाता है। डिस्पोजिशन करना मतलब किंग को गद्दी से हटा दिया जाता है और उसका रीजन कौन होते हैं? उसके बैरन्स और उसकी क्वीन। बिल्कुल सही, द राइट आंसर इज एडवर्ड द सेकेंड, जिसको मार्लो का सबसे मॉडर्न प्ले कहा जाता है और जिसकी थीम जो है इट इज बेस्ड ऑन होमोसेक्सुअलिटी, राइट, इट्स थीम इज बेस्ड ऑन होमोसेक्सुअलिटी। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर व्हाट कोर्ट वाज मार्लो समंड अ फ्यू डेज बिफोर हिज डेथ? मैंने आपको बताया था कि मार्लो ने बड़े सारे पंगे ले रखे थे कैथोलिक चर्च के बारे में बोल के, कभी एंग्लिकन चर्च के बारे में बोल के, तो उसकी डेथ से पहले उस पर एक केस चला था, तो उसको किस कोर्ट ने समन किया था? द कोर्ट ऑफ असाइजर्स, क्वीन एलिजाबेथ कोर्ट, द स्टार चेंबर या द प्राइवी काउंसिल? तो द राइट आंसर इज द प्राइवी काउंसिल। यदि एलिजाबेथ के जो काउंसलर्स थे, एलिजाबेथ के जो एडवाइजर्स थे उनको प्राइवी काउंसिल कहा जाता था, इट वॉज द प्राइवी काउंसिल बच्चे, ठीक है, एलिजाबेथ के जो एडवाइजर्स थे उस ग्रुप को प्राइवी काउंसिल कहा जाता था, है ना। राजा रानी के कोई ना कोई काउंसलर्स एडवाइजर्स होते हैं उसके जो है कोर्ट में, ठीक है, तो वो उनको उस काउंसिल को, उस ग्रुप को प्राइवी काउंसिल कहा जाता था। वेरी गुड, जिन्होंने डी आंसर दिया है, बच्चे लगा लोगे नवजोत तो बहुत बढ़िया होएगा, है ना, जो तुसी इस तरीके नाल नोट करने हैं भी कल्ला क्वेश्चन ते कल्ला आंसर, या फिर ऑब्वियसली अलग कॉपी ही लगाओ, ठीक है। विच हिस्टोरिकल फिगर डस फॉस्टर्स कंजोर अप फॉर द एम्परर टू सी? फॉस्टर्स मैजिक करके कौन से एम्परर को, हिस्टोरिकल फिगर को लेके आता है एम्परर को दिखाने के लिए? रविंदर मैं रिप्लाई कितने बच्चे,
मैं सब नू रिप्लाई कर दिया। हाँ जी, हेलेन ऑफ ट्रॉय, जीसस क्राइस्ट, जोन ऑफ आर्क या एलेक्जेंडर द ग्रेट। ओके ओके, अमनदीप, हेलो अमनदीप। यस, तो वो जब चार्ल्स के जो है पेरिस का किंग होता आई थिंक, ठीक है, तो उसके जब राज दरबार में जाके वो अपनी जादू वगैरह दिखाता है, ठीक है, तो जो किंग है वो उसको कहता है कि तुम मेरे सामने किसको प्रेजेंट करो, एलेक्जेंडर दी ग्रेट को, ठीक है, और वो मफिस्टोफिलिस को कहता है, ठीक है, लेकिन जब खुद उसको जो है, जब वो खुद डिमांड करता है मफिस्टोफिलिस के सामने, तब वो हेलेन ऑफ ट्रॉय को बुलाता है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हरविंदर, ही वॉज किंग ऑफ पैरिस, है ना। मैनू कदी टुटिया टुटिया जा कई बार कुछ चीजें याद नहीं रहंदियां, तब मेरी मदद कर दिया करो, ठीक है। चलो, सो हेलेन ऑफ ट्रॉय को उसने खुद देखने के लिए मफिस्टोफिलिस को रिक्वेस्ट करी थी, एंड व्हेन ही गॉट क्लोज टू हर, व्हेन ही ट्राइड टू किस द हेलेन ऑफ ट्रॉय, तो वो गायब हो जाती है, क्योंकि वो एक स्पिरिट थी। लेकिन चार्ल्स के दरबार में वो एलेक्जेंडर द ग्रेट को लोगों के सामने, उसकी स्पिरिट को लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज पोइट्री डिड मार्लो ट्रांसलेट। मार्लो ने किन राइटर्स की पोइट्री जो है ट्रांसलेट करी थी, ओविड, वर्जिल या लूका। इनमें से कौन से पोएट थे की पोइट्री को ट्रांसलेट करा था क्रिस्टोफर मार्लो ने? Yes, absolutely right. ओविड एंड लूका, बिल्कुल सही जवाब, ओविड और लूका की पोइट्री को। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, हु रोट क्रिस्टोफर मार्लो अ बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल स्टडी। हाँ जी, क्रिस्टोफर मार्लो अ बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल स्टडी किसने लिखा था? एफ एस बोआस, इनग्राम फ्रेजर, आइए रिचर्ड्स या नन ऑफ दीज। किसने ये बायोग्राफी लिखी थी क्रिस्टोफर मार्लो की? बिल्कुल सही, वेरी गुड आंसर, जिन्होंने एफ एस बोआज। जी, जिन्होंने एफ एस बोआज आंसर दिया है तो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वेरी राइट, एफ एस बोआज इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, विच पॉलिटिकल थिंकर इंस्पायर्ड मार्लो। मार्लो किस फिलोसोफर से, किस पॉलिटिकल थिंकर से इंस्पायर्ड था? मैकियावेली, मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन या ऑल ऑफ दी। हाँ जी, किससे इंस्पायर्ड था बहुत ज्यादा क्रिस्टोफर मार्लो? तो ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम, यस, मार्टिन लूथर। और एक मेरी रिक्वेस्ट, वीडियो को सभी जने लाइक नहीं करते, है ना? ओ सॉरी, इट्स मैकियावेली, यस यस, इट्स मैकियावेली, सही सही सही, नॉट मार्टिन लूथर, मैंने गलती से मार्क कर दिया, इसीलिए किया। देखो ध्यान मेरा कहाँ चला गया कि वीडियो नहीं लाइक करी, है ना, कितने सारे जने हैं और वीडियो लाइक देखो कितने जने करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 13, विच मार्लोवियन प्ले इंस्पायर्ड शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस। गुड इवनिंग हर्षुखाब, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ऐदा ही करना चाहिए दीप, मेरे आन तो पहला ही थानू लाइक कर देना चाहिए। हाँ जी, तो शेक्सपियर के कौन से प्ले, शेक्सपियर के प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस से मार्लो का कौन सा प्ले इंस्पायर्ड था? बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी एक जू की कहानी है जो कि शाइलॉक था, है ना, इसमें भी एक जू की कहानी है जो शाइलॉक था, और इसमें कहानी है अगेन एक जू की, बाराबास की, एंड दे बोथ वर वेरी पुअर, वेरी ग्रीडी, है ना, ये दोनों के सेम फीचर्स थे। चलिए, मार्लो इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द डैश चाइल्ड ऑफ रिनेसेंस। हाँ जी, बिल्कुल सही गल कही सिमरन,
हाँ जी, मार्लो इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द डैश चाइल्ड ऑफ रिनेसेंस, एल्डर, स्पॉयल्ड, शाइनिंग या यंगर। और ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है। बिल्कुल सही, इट मीन्स जो बच्चे स्पॉइल्ड कह रहे हैं उन्होंने पहले वाले क्वेश्चन देखे हुए हैं। बिल्कुल सही, यस इट इज रेफर्ड टू एज स्पॉइल्ड, खराब, बिगड़ा हुआ, ठीक है, बिगड़ा हुआ बच्चा, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, विद विच शेक्सपियरियन ड्रामास मार्लोस कलेबोरेशन वॉज प्रूव्ड इन 2016। हाँ जी, शेक्सपियर के कौन से ड्रामा की और मार्लो की कोलेबोरेशन जो है प्रूव करी गई 2016 में। हेनरी VI, ओथेलो, हैमलेट एंड किंग लियर, रिचर्ड 2 या ऑल ऑफ दीज। हाँ जी, विद विच शेक्सपियरियन ड्रामा मार्लोज कोलैबोरेशन वॉज प्रूव्ड इन 2016। नहीं सहज, ऐदा ना क्या करो बच्चे, ऐदा ना क्या करो। यस इट इज रिचर्ड 2। रिचर्ड 2 में कोलैबोरेशन कही जाती है। हाँ जी, हेनरी 8 फ्लेचर देनाल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट नेम इज गिवन टू पोर्शिया व्हेन शी एंटर्स द कोर्ट ऑफ द ड्यूक। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में जब पोर्शिया केस लड़ने के लिए आती है, जब मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया केस लड़ने के लिए आती है टू सेव एंटोनियो, तो वो क्या नेम वकील बन के आती है और वो क्या नेम धारण करके आती है। यस इट इज बॉल्थजार। बिल्कुल सही जवाब, इट इज बॉल्थजार। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर व्हाट इज द फ्रेज द माउस ट्रैप यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हैमलेट। माउस ट्रैप किस चीज के लिए यूज किया है हैमलेट में शेक्सपियर ने। द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट, द गोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर, द प्ले विद इन द प्ले इन किंग लियर या हैमलेट्स कॉन्शियंस। माउस ट्रैप वर्ड किस चीज के लिए, माउस ट्रैप जो उसने जाल बिछाया था अपने अंकल क्लॉडियस की गिल्ट को बाहर लाने के लिए, है ना, ताकि वो सब लोगों के सामने ये शो कर दे, उसके चेहरे पे ये दिख जाए कि उसने ही मारा है। यस इट इज द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट। इट इज द बिग थिंग हरसुखा, इट्स अ वेरी बिग थिंग जो तुसी कह रहे हो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ दीज इज शेक्सपियर्स मोस्ट फ्राइटनिंग फीमेल कैरेक्टर। शेक्सपियर की सबसे खतरनाक फीमेल कैरेक्टर इनमें से कौन है। क्लियोपेट्रा, हाँ जी, और कौन सा प्ले था ये पता है किसी को। इट इज द प्ले विद इन अ प्ले, और वो कौन सा था, मर्डर ऑफ गोंजेलो, है ना, मर्डर ऑफ गोंजेलो। यस एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, बिल्कुल सही, क्लोज सर्कल ऑफ एडवाइजर्स जो हैं उनको क्या कहा गया था, द स्टार चेंबर, पार्लियामेंट, द प्राइवी काउंसिल या द कैबिनेट। तो ये आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यस द राइट आंसर इज द प्राइवी काउंसिल। बिल्कुल सही, द राइट आंसर इज द प्राइवी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज एडमंड स्पेंसर्स पेट्रन। एडमंड स्पेंसर के पेट्रन कौन थे। एडमंड स्पेंसर के पेट्रन इनमें से कौन थे। वॉज इट द अर्ल ऑफ लाइसेस्टर, एलिजाबेथ, लॉर्ड बर्ले या फ्रांसिस बेकन। वॉज द पेट्रन, पेट्रन का मतलब होता है जो एक तरह से सपोर्ट करता है। यस इट वॉज द अर्ल ऑफ लाइसेस्टर, इट वॉज द अर्ल ऑफ लाइसेस्टर। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सेप्ट सोनेट विच अनदर फॉर्म ऑफ पोइट्री बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज। सोनेट के अलावा एलिजाबेथन एज में और कौन सी पोइट्री जो है फेमस हुई, बैलेड, लिरिक, एलेग्री या ऑल ऑफ दीज। कौन सी फॉर्म ऑफ पोइट्री फेमस हुई, यस इट इज लिरिक।
बिल्कुल सही जिन्होंने लिरिक आंसर दिया है, ऑल ऑफ दीज नहीं था बच्चे, लिखे जा रहे थे, नो डाउट लिखे जा रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पॉपुलर बहुत ज्यादा फेमस कौन सा हुआ, क्योंकि बैलेट्स तो पहले भी लिखे जा रहे थे, क्या बैलेट्स पहले भी फेमस थे, अलेग्रीज भी लिखी जा रही थी, लेकिन लिरिक पोएट्री बिकेम द मोस्ट फेमस लाइक सोनेट। ऑलराइट, चलिए, इन विच ईयर स्पेंसर सोनेट कलेक्शन एमोरेटी गॉट पब्लिश्ड। एमोरेटी का पब्लिशिंग ईयर आपको यहाँ पे बताना है, कब पब्लिश हुई एमोरेटी, 1595, 96, 97 या 94। तो एमोरेटी का पब्लिशिंग ईयर, यस इट इज 1595, वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, 1595, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, एज होम वैसा इज डिस्गाइज्ड इन द फेरी क्वीन। हां जी बच्चे, नवजोत इस बारे गल आप पेड ग्रुप च करांगे, ठीक है। एज होम वैसा इज डिस्गाइज्ड इन द फेरी क्वीन, फिनेसा, फिडेसा, ग्लोरियाना या डिफेसा। तो एज होम वैसा इज डिस्गाइज्ड इन द फेरी क्वीन, यस इट इज फिडेसा, ठीक है जी, फिडेसा नाम लेके वो खुद का वेश बदलती है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वर्च्यू डज सर गुआन रिप्रेजेंट। सर गुआन कौन सा वर्च्यू रिप्रेजेंट करते हैं, ह्यूमिलिटी, चैस्टिटी, टेम्परेंस या फ्रेंडशिप। हाँ जी बिल्कुल सही, टेम्परेंस, और उनके नाम का भी क्या मतलब था, रेसलर, ठीक है, उनके नाम का क्या मतलब था, एक होली रेसलर, ठीक है, एक होली रेसलर। ऑलराइट, ओके, क्वेश्चन नंबर 25, कंप्लेंट्स इज अ पोएट्री कलेक्शन बाय एडमंड स्पेंसर पब्लिश्ड इन 1591, इट कंटेन्स डैश पोएम्स, कितनी पोएम्स आ जाती हैं कंप्लेंट्स में, 9, 8, 6 या 10, हाउ मेनी पोएम्स आर देयर इन दिस कलेक्शन, यस देयर आर टोटल 9 पोएम्स, बिल्कुल सही जवाब, देयर आर टोटल 9 पोएम्स। व्हाट इज द यार्नर ऑफ द वर्जिल्स नेट रिटन बाय एडमंड स्पेंसर, इट्स अ ड्रामा, इट्स अ नॉवल, इट्स अ बीस्ट फेबल या नन ऑफ दीज। हाँ जी इसी 9 पोएम्स में से एक पोएम थी ये, ठीक है, 9 पोएम्स में से एक पोएम थी ये, यस इट्स अ बीस्ट फेबल, ठीक है, ये पोएम है, ठीक है, पोएम इन द फॉर्म ऑफ, पोएम विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ बीस्ट फेबल, राइट। क्वेश्चन नंबर 27, मार्लो वॉज रिप्यूटेड टू बी एन एग्नोस्टिक, एथीस्ट, थीस्ट या नन ऑफ दीज। हाँ जी तो मार्लो जो है ही वॉज रेप्यूटेड टू बी, बिल्कुल सही, रॉबर्ट डडले को जो है डेडिकेटेड थी, यस ही वॉज एन एस्थीट, नास्तिक था वो, ये मार्लो जो है नास्तिक था। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 28, ओके, तो जिन बच्चों ने अभी भी हमारा पेड बैच ज्वाइन नहीं करा है वो जल्द से जल्द ये ग्रुप ज्वाइन करें, अगर आप अच्छे से मास्टर केरियर इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, यू जस्ट हैव टू टाइप योर नेम, द सब्जेक्ट ऑफ योर मास्टर केरियर और सेंड कर दीजिए इस नंबर पे और आपको ऐड कर लिया जाएगा हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में, और आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी टेलीग्राम ऐप पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ड टू डील्स विद अ स्टार क्रॉस्ड लव स्टोरी बिटवीन एडवर्ड टू एंड पियर्स गिविस्टन, पियर्स गिब्सन, पियर्स गिबन या नन ऑफ दीज। हाँ जी तो किसके साथ लव अफेयर था एडवर्ड टू का, जिसकी वजह से इस स्टोरी को होमोसेक्सुअल स्टोरी भी कहा जाता है, उसी के कोर्ट का एक बंदा था, इट वॉज पियर्स गेविस्टन, गेविस्टन,
जी, इट वॉज पियर्स गेविस्टन। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। शेक्सपियर रोट ट्रेजाई कॉमेडीज ऑल्सो नोन एज। शेक्सपियर की ट्रेजाई कॉमेडीज को और क्या यानर, किस यानर के अंडर रखा जाता था? रोमांसेस, लव स्टोरीज, माइथोलॉजीज या एपिक्स? शेक्सपियर की ट्रेजाई कॉमेडीज वर ऑल्सो नोन एज, सो दे वर ऑल्सो नोन एज रोमांसेस। ठीक है, जैसे आपा एज यू लाइक इट की बात करें, आपा एज यू लाइक इट की बात करें, या आपा बात करें मिड समर नाइट ड्रीम की। मिड समर नाइट्स ड्रीम की, या आपा बात करें मर्चेंट ऑफ वेनिस की। मर्चेंट ऑफ वेनिस की, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। हु रोट द प्रीफेस ऑफ शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो? बच्चे वो मैंने चेक कर लिया, फर्स्ट फोलियो में 36 प्लेस पब्लिश हुए थे। ठीक है, फर्स्ट फोलियो में 36 प्लेस पब्लिश हुए थे, तो फर्स्ट फोलियो का प्रीफेस किसने लिखा था? सैमुअल जॉनसन, थॉमस किड, बेन जॉनसन या रॉबर्ट ग्रीन? हु रोट द प्रीफेस ऑफ शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट वाज रिटन बाय बेन जॉनसन। बिल्कुल सही जवाब, इट वाज रिटन बाय बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 31। आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इन 1603, द लॉर्ड चेम्बरलेन्स कंपनी वॉज अवॉर्डेड अ रॉयल पेटेंट बाय द न्यू किंग जेम्स वन एंड चेंज इट्स नेम टू द। लॉर्ड चेम्बरलेन्स कंपनी, जो कि शेक्सपियर और उसके एक्टर्स की कंपनी है ना, तो जेम्स वन ने उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था? किंग्समैन एक्टिंग कंपनी, जेम्स मैन या एक्टर्स ग्रुप? बिल्कुल सही जवाब, सो इट वॉज कॉल्ड किंग्स मैन। जेम्स वन ने, देखो अब यहाँ पे दो चीजें आपकी एक तरह से आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कि चेम्बर लॉर्ड चेम्बरलेन्स कंपनी का नया नाम था किंग्स मैन, और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि वो नया नाम, वो किंग्स मैन नाम किसने दिया था, तो वहां पे आप आंसर करोगे जेम्स वन ने। ठीक है, हु बिकेम द किंग इन 1603 एंड रिमेन्ड किंग टिल 1625, है ना। चलिए, विच अदर यूनिवर्सिटी विट वॉज अरेस्टेड अलॉन्ग विथ क्रिस्टोफर मार्लो? क्रिस्टोफर मार्लो के साथ और किस यूनिवर्सिटी विट को अरेस्ट किया गया, जो है जब इन पे जो है, नहीं, बच्चे प्राइवी काउंसिल नहीं, ये तो जरा एक्टिंग ग्रुप सीगा शेक्सपियर का बनाया हुआ, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील, थॉमस किड या रॉबर्ट ग्रीन? बिल्कुल सही जवाब, थॉमस किड को, किसके लिए? फॉर हेरेसी। हेरेसी के लिए, हेरेसी क्या होती है? मतलब जैसे कि कोई जादू टोना, जादू टोने वाली चीजें, समथिंग, जो जो चीजें जो है, समथिंग अगेंस्ट रिलीजन, विच वॉज अगेंस्ट रिलीजन। यस। क्वेश्चन नंबर 33। द फेट ऑफ द बटरफ्लाई इज द ऑल्टरनेट टाइटल ऑफ एडमंड स्पेंसर्स द रुइंस ऑफ रोम, द विजन्स ऑफ बेले, मुइओपोटामस या एमोरेटी? हाँ जी, द फेट ऑफ द बटरफ्लाई एडमंड स्पेंसर की कौन सी पोयम का ऑल्टरनेट टाइटल है? बिल्कुल सही, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, इट इज द ऑल्टरनेटिव टाइटल ऑफ मुइओपोटामस। बिल्कुल सही जवाब, इट्स द ऑल्टरनेट टाइटल ऑफ मुइओपोटामस। जी, आगे बढ़ते हैं। ट्रिब्यूट टू मार्लो वॉज पेड बाय शेक्सपियर इन एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओथेलो या अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम? मार्लो को शेक्सपियर ने अपने कौन से प्ले में ट्रिब्यूट पे किया था? कौन से प्ले में? यस, एज यू लाइक इट में। ठीक है, और लाइंस कहाँ से ली गई थी? लाइंस फ्रॉम मार्लो की ही पोयम हीरो एंड लियंडर से। ठीक है, मार्लो की ही पोयम
हीरो एंड लियेंडर से वो लाइंस ली थी, डियर शेपर्ड करके कुछ ऐसे स्टार्ट होती हैं। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी ड्रामास डिड मार्लो राइट इन टोटल? तकरीबन कितने टोटल ड्रामास जो है मार्लो ने लिखे थे? 5, 7, 6 या 8? कितने टोटल ड्रामास क्रिस्टोफर मार्लो ने खुद लिखे थे? यस, देवर 6 ड्रामास। ठीक है जी, 6 ड्रामास टोटल जो है लिखे थे। बच्चे सेवेंथ जो है वो उसका मतलब एक्चुअल में कॉन्फर्मेशन नहीं है। ठीक है, तंबूलेन, देखो आप अकाउंट करते हैं, तंबूलेन, डॉक्टर फॉस्टर्स, डॉक्टर फॉस्टर्स, टू ऑफ माल्टा, टू ऑफ माल्टा, दो एडवर्ड टू, और कौन सा रह गया? विच वन इज लेफ्ट? हाँ, मैसेकर एट पेरिस। तो ये थे जो 6। ठीक है, एक आ जाता है डस्ट डोमिनियन। ठीक है, वो इन्होंने मिलके लिखा था। एक आ जाता है आर्डन ऑफ फेवरशैम। तो इनके बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि ये मार्लो के ही थे या किसी और के थे। ठीक है, दे आर नॉट कंफर्म्ड। तो ये 6 जो है ये कंफर्म्ड मार्लो के थे। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। इन 1599 अ पार्टनरशिप ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी बिल्ट देयर ओन थिएटर ऑन द साउथ बैंक ऑफ द डैश विच दे द ग्लोब। जो थिएटर शेक्सपियर ने स्टार्ट करा था, शेक्सपियर जिस थिएटर के साथ बहुत अटैच्ड थे, वो कहाँ पे बनाया गया था? ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर वाई, रिवर थेम्स, रिवर थेम्स या रिवर थीम्स? यस, है ना। तो ऑप्शंस की मतलब यहाँ पे वो जानबूझ के बस करी थी, बट पता था कंफ्यूजन तो नहीं होगी। यस, इट वाज रिवर थेम्स। क्वेश्चन नंबर 37, द ग्लोब थिएटर वाज रीबिल्ट इन द ईयर। ग्लोब थिएटर जो कि 1599 में बिल्ट किया गया था, ठीक है, पहली बार बनाया गया था, बर्न हो गया था 1607 में। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ हेनरी 8। ठीक है, हेनरी 8 के प्रोडक्शन के टाइम पे बर्न हो गया था। और ये रीबिल्ड कब हुआ था? यस, वेरी गुड, 1613 में। वेरी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, शेक्सपियर्स लास्ट 3 प्लेज वर कोलैबोरेशंस प्रोबेबली विद? हाँ जी, शेक्सपियर के जो लास्ट 3 प्लेज हैं वो किसके साथ कोलैबोरेशन कही जाती है? बेन जॉनसन, विलियम कॉन्ग्रीव, विलियम विचले या जॉन फ्लेचर? रजनी, 6:30 इज टू लेट फॉर एवरीवन। बच्चे 6:30 इज टू लेट फॉर एवरीवन। यस, इट इज जॉन फ्लेचर। बिल्कुल सही, इट इज जॉन फ्लेचर। शेक्सपियर ऑल्सो रोट डैश प्लेज, सेंटिमेंटल, प्रॉब्लम, एंटी सेंटिमेंटल या नन ऑफ दीज? शेक्सपियर के कुछ प्लेज जो हैं किस कैटेगरी में रखे जाते हैं? यस, शेक्सपियर के कुछ प्लेज किस कैटेगरी में रखे जाते हैं? यस, जीबी शॉ की तरह, जैसे जीबी शॉ के प्लेज को प्रॉब्लम प्लेज कहा जाता है, तो शेक्सपियर के प्लेज भी कुछ जैसे मेजर फॉर मेजर। जैसे मेजर फॉर मेजर आ जाता है, तो दे आर कॉल्ड प्रॉब्लम प्लेस। ठीक है, और कौन से होते हैं प्रॉब्लम प्लेस? जहां पे सोसाइटी, कोई सोशल इशू जो है, ठीक है, कोई सोशल इशू जो है डिस्कस किया जाता है। 1612 में बर्न हुआ था, आर यू श्योर रिया? चलिए, एंड द लास्ट क्वेश्चन, इन हिज फाइनल पीरियड शेक्सपियर टर्न्ड टू? ओके ओके ओके, ठीक है रिया। शेक्सपियर टर्न्ड टू राइटिंग। हाँ जी, अपने फाइनल पीरियड में शेक्सपियर
कौन से यानर के वर्क्स ज्यादा लिख रहे थे, ट्राइकॉमेडीज, कॉमेडीज, ट्रिजाई कॉमेडी या ऑल ऑफ दीज? यस, सो ही वॉज बेसिकली राइटिंग ट्रिजाई कॉमेडीज, एब्सोल्यूटली करेक्ट, ही वॉज बेसिकली राइटिंग ट्रिजाई कॉमेडीज। चलिए, तो अब कल के लिए आपका जो एमसीक्यूज का जो सेशन रहेगा, आपके लिए एमसीक्यूज का जो सेशन जो है रहेगा, कनिका विल टेल यू इन द पेड ग्रुप, बच्चे आई विल शेयर इट इन द पेड ग्रुप। तो एमसीक्यूज के लिए कल का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा ए से लेके डी तक लिटरेरी टर्म्स। फाइनल पीरियड मतलब जो लास्ट में जो प्लेज उन्होंने लिखे, ठीक है, ए से डी जो अल्फाबेट वाली लिटरेरी टर्म्स कल रहेंगी, राइट। और जो है साथ में अपा इंक्लूड करते हैं सोशो लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, साथ में सम क्वेश्चंस फ्रॉम सोशो लिंग्विस्टिक्स, ठीक है जी। चलिए, तो कल मिलेंगे फिर अपा वापस सेम टाइम पे हमारे इस चैनल के चैनल पे। माय प्लेजर नवरीत, माय प्लेजर बच्चे, थैंक यू जी। सो लेट्स मीट टुमारो विथ सम मोर न्यू क्वेश्चंस, ठीक है जी। चलिए, हाँ जी, फ्राइडे तो कल दिन में लगेगी क्लास, जी जी, कल तो दिन में लगेगी क्लास, बिकॉज इन द इवनिंग आई हैव टू गो समवेयर, ठीक है। तो हाँ, कल, सॉरी, थैंक यू याद दिलाने के लिए किरण, कल मोस्ट प्रोबेबली आपका एमसीक्यूज का लेक्चर लगेगा 12 बजे, ये दिन में 12 बजे, 12 o'clock, ठीक है, एमसीक्यूज का 12 o'clock लगेगा, राइट। चलिए, मिलते हैं फिर कल, डेफिनेटली दीप, यू विल मेक इट, विल डू इट। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वेरी गुड डे, कीप लर्निंग एंड कीप टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।